आज हम द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया तैयब मेहता, उनके बारे में बात करेंगे। ये बहुत महान पेंटर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के। आज हम इनके बारे में देखेंगे, इनके अचीवमेंट, इनके अवार्ड्स, इनकी पेंटिंग्स और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इनका जो बर्थ है वो हुआ था 26 जुलाई 1925 को और प्लेस था कपाड़वंज गुजरात। इसके अंदर इनका बर्थ हुआ था। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी जुलाई 2, 2009। इनकी जो वाइफ थी उसका नाम था शकीना। इनके चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन थे इनके, यूसुफ और हिमानी। और अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण और कालिदास सम्मान मिल चुका है। और इनके चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ की बात करें, सो हिज फैमिली मूव टू बॉम्बे व्हाइल मेहता डेवलप ए लाइकिंग टुवर्ड्स सिनेमा एंड आर्ट। इनकी जो फैमिली थी वो बॉम्बे चले गई थी और तभी जो मेहता थे उनकी जो लाइकिंग है टुवर्ड्स सिनेमा और आर्ट वो इंक्रीज हो गई थी। बट ही डिडंट मेड अप हिज माइंड ऑन व्हाट हिज प्रोफेशन वुड बी लेटर ऑन। बट इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बाद में जाके इनका प्रोफेशन क्या बनेगा। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ 1947 मेहता विटनेस द वायलेंट एक्ट ऑफ ए मॉब स्टोनिंग ए मैन टू डेथ। जब पार्टीशन का टाइम हुआ था तो जो तैयब मेहता थे उन्होंने एक वायलेंट एक्ट देखा था जहाँ पे पत्थर मार के एक इंसान की, लोगों ने इतना उसको पत्थर मारा कि उसकी डेथ हो गई। और इस वायलेंट एक्ट को तैयब मेहता ने अपनी आँखों से देखा था और दिस इंसिडेंट लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हिम विच ही वुड लेटर पोर्ट्रे ऑन मैनी ऑफ हिज कैनवासेस। और जो ये इंसिडेंट था इसका उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा और धीरे धीरे इसी तरह उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी और उनके पेंटिंग्स में वो सब चीज़ें दिखती भी थी। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज कैरियर तैयब गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए मूवी एडिटर एट फेमस स्टूडियोज। बट ही सून रियलाइज दैट हिज पैशन फॉर आर्ट वॉज स्ट्रॉन्गर दैन दैट ऑफ हिज पैशन फॉर मूवीज़। जब उनका करियर की इनिशियल स्टेजेस थी उन्हें उस टाइम उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वे मूवीज़ में काम करें एज ए मूवी एडिटर। बट उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उनका पैशन है, जो उनकी लगन है टुवर्ड्स आर्ट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू देयर पैशन फॉर मूवीज़, इसलिए वो आर्ट की तरफ बढ़ गए। एजुकेशन की बात करें तो ही अटेंडेड द फेमस सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट इन बॉम्बे। उन वो फेमस जो स्कूल है बॉम्बे के अंदर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की एंड स्टडीड एट स्कूल फॉर 5 years फ्रॉम 1947 टू 1952। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे 5 साल से ये जो है वो इस स्कूल में पढ़े हैं 1947 से 1952 के बीच में। ड्यूरिंग हिज स्टे एट सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट ही केम इन कॉन्टैक्ट विद अकबर पदमीज एंड बिकेम पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप अलॉन्ग विद अदर ग्रुप लाइक एस एच राजा, एफ एम सोसा एंड एम एफ हुसैन। वो जो है इसी टाइम पे वो धीरे धीरे अपने स्कूल में आर्टिस्ट जो ग्रुप थे उसमें ऐड होते चले गए अलग अलग ग्रुप्स में। इन ईयर 1954 तैयब मेहता वेंट टू लंदन एंड स्टेड देयर टिल 1964। और 1954 से लेके 1964 तक वो जो है वो लंदन में ही रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ फ्रैंकिस बैकोन। जो फ्रैंकिस बैकोन वो भी एक आर्टिस्ट है इसी टाइम, उन्होंने वो लंदन में आर्टिस्ट है इसी टाइम। तैयब मेहता जो है वो उनके वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। हिज फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन ऑफ ड्रॉइंग्स पेंटिंग एंड स्क्रप्चर वाज ऑर्गेनाइज एट जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे इन ईयर 1959। उनकी जो पहली एग्जीबिशन हुई उनकी ड्राइंग की, पेंटिंग की, स्कल्पचर्स की, वो जहांगीर आर्ट गैलरी जो कि बॉम्बे में है उसमें उनकी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई 1959 में। इन 1968 ही वाज ऑनर्ड विद अ फेलोशिप फ्रॉम जॉन डी रॉकफेलर थर्ड फंड एज अमेरिकन सिंपली लव्ड हिज वर्क ही रिटर्न एंड स्टार्ट वर्किंग इन दिल्ली। उन्हें जो है वो 1968 में फेलोशिप भी मिली, उससे उन्हें ऑनर किया गया। बट वो वापस आए और उन्होंने जो है वो दिल्ली में वर्क करना शुरू कर दिया। यहाँ पे उनके कुछ फेमस पेंटिंग्स जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये तैयब मेहता की काफ़ी फेमस पेंटिंग्स है और इनकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी है, अप्रोक्स इन करोड़ में है इन सभी की कॉस्ट।
ये आप देख सकते हैं। और जो दो इनके काफ़ी फेमस पेंटिंग रही है, एक तो जो वुमेन ऑन रिक्शा ये वाली पेंटिंग, एंड सेकंड इज काली, जिस पेंटिंग का नाम है काली। और इन दोनों की कॉस्ट आप देख सकते हैं, जो वुमेन ऑन रिक्शा है इसकी कॉस्ट थी 22.9 करोड़, और जो काली है इसकी कॉस्ट थी 26.4 करोड़। ये एक पेंटिंग की कॉस्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि तैयब मेहता कितने बड़े पेंटर थे। अब इनके अचीवमेंट्स की बात करें, वन ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ तैयब मेहता होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बींग द हाइएस्ट प्राइस्ड इंडियन पेंटिंग। तैयब मेहता की एक पेंटिंग को ने रिकॉर्ड बनाया था कि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइस वाली पेंटिंग है, उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा थी। हिज 3 मिनट फिल्म कोडल वोन द फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड इन 1970। 1970 में उनकी फिल्म थी कूडल, उसने फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता था। इसका मतलब है वो फिल्म्स में भी उनका करियर काफ़ी ऊंचाई पर गया। इन 1974 ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रिक्स नेशनल एक्ट एंड इंटरनेशनल फेस्टिवल हेल्ड एट कांगने सुरमेर इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर भी जो इंटरनेशनल फेस्टिवल हेल्ड हुआ उसके अंदर भी इन्हें ऑनर किया गया। अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें अवार्ड मिला जैसे कालिदास सम्मान। ये जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, उन्होंने इन्हें इस अवार्ड से नवाजा था, और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। इन 2007 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द कंट्रीज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडियन आर्ट। उन्हें इंडियन आर्ट में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण दी अवार्ड से नवाजा, और पद्म भूषण इंडिया का थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, और उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है जो उनकी न्यू दिल्ली में फर्स्ट ट्रायनल हुआ था उनका, उसके अंदर उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। अब हम देखते हैं कि हम उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं, हम एज इंडिविजुअल क्या क्या सीख सकते हैं तैयब मेहता सर की लाइफ से। एन एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल पेंटर, तैयब मेहता हैड सेट सच हाई स्टैंडर्ड्स फॉर हिमसेल्फ दैट फॉर एवरी पेंटिंग दैट ही सोल्ड एट एन ऑक्शन ही डिस्ट्रॉय 7 to 8 times 8 पेंटिंग अंटिल ही केम अप विद द वन विच अकॉर्डिंग टू हिम मैट हिज स्टैंडर्ड। वो इंसान थे एक सेल्फ क्रिटिकल इंसान, जो अपने आप को खुद क्रिटिक कर दिया करते थे। वो खुद अपने आप को पहले चेक किया करते थे, जब भी वो कोई पेंटिंग बनाते थे उसे वो खुद देखते थे कि ये उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, और अगर वो उनके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती थी तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। ऐसे ही अराउंड उन्होंने 7 to 8 पेंटिंग को डिस्ट्रॉय किया था, जबकि उन्हें पता था कि वो अपनी पेंटिंग अगर सेल करे बाई कोई भी उन्हें करोड़ों में बाई कर सकता है, बट फिर भी वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे जब तक कि पेंटिंग उनके स्टैंडर्ड्स को मैच ना कर जाए। फ्रॉम दिस वी शुड लर्न टू सेट ऑलवेज हाई स्टैंडर्ड। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें भी अपने स्टैंडर्ड्स हमेशा हाई रखने चाहिए और उनके लिए वर्क करना चाहिए। सेकंड इज़ हार्ड वर्क ऑलवेज लीड टू सक्सेस। तैयब मेहता सर को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि हार्ड वर्क हमेशा सक्सेस की ओर ले जाता है। थर्ड ही हैज़ लॉट्स ऑफ पेशेंस। उनके पास बहुत पेशेंस था। एज डिमांड फॉर हिज आर्ट कैप्ट कैप्चुलाइंग हाउ एवर हिज स्टाइल एंड पेस ऑफ वर्क नेवर चेंज। उनकी जो उनके आर्ट की उनके पेंटिंग्स की डिमांड टाइम टू टाइम बढ़ती चले गई, बट फिर भी उन्होंने अपना स्टाइल अपने काम करने का तरीका कभी नहीं बदला। ट्रू टू हिज इनेट सेंस ऑफ सेल्फ ही कंटिन्यू टू स्पेंड मंथ्स ऑन वन वर्क। वो इतने ज़्यादा ट्रू थे अपने खुद के वर्क को लेकर, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि वो अराउंड मंथ्स गुजार देते थे सिर्फ एक वर्क पर, सिर्फ एक पेंटिंग पर। लिविंग विद इट, एनालाइजिंग इट, क्रिटिसाइजिंग इट एंड फाइनली डिसाइडिंग वेदर टू कम्प्लीट और डिस्ट्रॉय इट टोटली। उसके बाद भी वो उस पेंटिंग को जीते थे, एनालाइज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे और फाइनली डिसाइड करते थे कि इसको मुझे कम्प्लीट करना है या डिस्ट्रॉय कर देना है। वी शुड लर्न दिस परफेक्टनेस एंड पेशेंस फ्रॉम हिम। हम उनसे ये परफेक्टनेस एंड पेशेंस सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।